वो बाथरूम पुराने और तू जो है वो कहता ना क्या क्या था क्या क्या था ऐसा ऐसा कहीं पाइप करता था भाई टाइम पर तो पाइप निकालो समझे ना बाहर बकरियां फिर रही हैं एब्सोल्युटली सेफ इसलिए कि बाहर होगा क्या होता कुछ होता ही नहीं वहाँ देखिए इस बीच इज बहुत ब्यूटीफुल है आप बीच पे जाएं यू कैन स्विम मैं करता ये था कि सुबह गए और ये 3-4 घंटे खूब स्विमिंग की है और उसके बाद जो है ना निकले और गाड़ी भगाई और 12 बजे गया था एक दिन में ना और हमारा कम ट्रिप मैंने किए मल्टीपल टाइम्स तो उसका जो नॉब था लॉक का हिंज जो था वो ऐसा था आइए एंड आई कैन टेल यू कि पाकिस्तान बनने से पहले से लगा हुआ है लेकिन अभी तक फेल नहीं हुआ और ना अगले 50 साल तक फेल होगा ऐसे देखिए मेरे पास तो नहीं अच्छा शैतान तक कर अच्छा जब भी बॉर्डर पार होती है कुछ होता है इसको ऑफ करते हैं तो अभी देखिए इस तरह से था ना अब अभी देखिए इस तरह हाई टेक किस्म का वो है क्या कहते हैं जीपीएस का ना जीपीएस डिवाइस और जो मैं तंग हो रहा हूँ कभी बंद हो जाती कभी सर्दी नहीं है जो टाइम वक्त बंद हो जाता है वो सर्दी लग जाती है गर्म करता हूँ फिर चलता है फिर बंद हो जाता है बिकॉज सो कॉम्प्लिकेटेड इसमें वैसे मैं कंपस था यार जिससे मैं पूरे वॉर एरिया में फिरता रहता था वो कैंपस से ठीक लगाया और चलना शुरू कहाँ लगाया टैंक्स आ रहे हैं अच्छा चलो तो हम तो अपने कान से और अपने कंपस से हमने पूरी दुनिया का सफर कर लिया और ये जीपीएस में तंग कर रहा है क्यों कॉम्प्लिकेटेड चीज है ना सिंपलिसिटी तो जिस तरह से ये हिंज चल रहा है ना अभी तक इसी तरह से अगर आपका विजन सिंपल होगा ना तो खूब चलेगा आसान होगा और अगर कॉम्प्लेक्सली डालते ना आपने तो फंसेंगे बहुत ज्यादा मेक इट सिंपल कीप इट सिंपल राइट सिंपलिसिटी कॉम्प्लेक्सिटी जब भी लेके आए जब आपको जरूरत हो एक सामने कहेंगे कि मेरा विजन ये है तो ऑडिट करें ऑडिट किए हुए क्या विजन कह रहे मैं फाइनेंशियल क्राइसिस में हूँ मैं चाहता हूँ कि ऐसी कंपनी बनाऊ जो मुसलमानों मुसलमान बच्चों के लिए कार्टून बनाए एनिमेशन और फिर मैं चाहता हूं कि इस कंपनी से पैसे जनरेट करके एक और प्रोजेक्ट है उसको भी सपोर्ट करो मैंने कहा इतना कॉम्प्लेक्स कर दिया आपने कि आप तो इसी में डूब जाओ यार मेरे साथ पहले काम ये करो कि जॉब है पहले जॉब करो और अपना और फाइनेंशियल क्राइसिस से पहले बाहर निकलो ठीक है फिर एनिमेशन कंपनी से अलग करो और उस प्रोजेक्ट को जो सपोर्ट करना किसी और तरीके से करो आपने इसी आइडिया को इतना कॉम्प्लेक्स कर दिया है क्या कहें टेल यू गोइंग टू फेल तो कल आप लोग जो ट्रेनर्स हैं आपके पास जो आएंगे अपने विजन्स को लेकर तो प्लीज आप उनको सिंपलिसिटी बताएं कॉम्प्लेक्सिटी मत बताएं चार बच्चे चाहिए हैं तो सिंपलिसिटी ये है कि एक बेगम चार बच्चे और कॉम्प्लेक्सिटी क्या है चार बोले बोले चार दो बेटे चार बेगमा तो सबसे एक है ये कॉम्प्लेक्सिटी है Don't do it. If you really want 4 kids, you know, marry a lady and have 4 kids. अब इस तरह के उल्टे सीधे काम करेंगे अगर इस तरह के आपको फोन ही आ जाएगा तो इतना कॉम्प्लेक्सिटी का बैठ गया ये बात क्लियर होगी अच्छा जाना समझ आ गया आपको माशाल्लाह आगे चलते स्केल द स्केल ऑफ विजन फ्रॉम द जियोग्राफी टाइम इंडिया कितने बड़ा स्केल है आपका विजन का क्या आप ये कह रहे हैं कि यार मेरे बच्चे अच्छे हो जाए या आप ये कह रहे हैं कि पूरे शहर के बच्चे अच्छे हो जाए या आप कह रहे हैं कि पूरे सूबे के बच्चे अच्छे हो जाएं या आप कह रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान के बच्चे अच्छे हो जाएं आप क्या कह रहे हैं क्या स्केल है आपके विजन का और अच्छे होने का क्या मतलब है अच्छे मतलब ये हो जाए कि कमाने लग जाएं या अच्छे जो है तरबियत भी हो जाए या जो है वो विजनरीज भी बन जाए और वो जो है वो कोई बहुत बड़े काम भी करे व्हाट इज द डेप्थ दिस कॉल स्केल नेक्स्ट नोबिलिटी Nobility is the degree to which your vision touches lives of people other than yourself for greater good. कि क्या आप अपना अपना सोच रहे हैं या औरों का भी सोच रहे हैं? एक साहब ने कहा कि फिर greatness, sorry, nobility और skill तो एक ही चीज हो जाएगी। मैं कहा नहीं, एक चीज नहीं हो जाएगी, different है। अगर एक शख्स ये कहे
कि पूरा कराची में हो जाए, फिर ये कहे कि पूरा सिंध में हो जाए, फिर कहे कि पूरा पाकिस्तान में हो जाए, तो उसकी स्केल तो बढ़ रहा है ना, नोबिलिटी बढ़ी है? नो, इट्स ऑल अबाउट हिमसेल्फ, मी 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 मी. एक साहब ने कहने लगे कि मैं और मेरी वाइफ का एक विजन है 10 साल पुराना, आज हमें समझ आया कि हमारी नोबिलिटी बहुत लो है. Only thing about myself. You should be thinking about Nepal. कितनी population है आजकल? 28. ये तो दो कराची हैं. One and a half कराची. ये तो bike side है. इतना एक बड़ा speaker चुना होता. यार आप तो सोचो नेपाल में कुछ करना है. Poverty बहुत है, you know, the mountains in Nepal. बहुत सारी चीजें इंप्रूव कर सकते हैं. आपको कोई भी विजन होगा उसी को कॉस्ट होती है, फाइनेंशियल कॉस्ट होगी, इमोशनल कॉस्ट होगी. फॉर एग्जाम्पल कहां है हमारे अब्दुल रहमान साहब, ये कहते हैं कि पूरे बलूचिस्तान को सेंटर ऑफ एक्सलेंस इन इस्लामिक लर्निंग एंड कल्चर एंड अ प्लेस ऑफ पीस एंड हार्मनी वेयर देयर इज नो ऑपरेशन, ये विजन बना लिया अब्दुल रहमान साहब. अगर आपने विजन बना लिया तो आपको ना कितना लॉफ्टनेस लेवल हाई है इसका, क्योंकि बहुत मुमकिन है कि 2 साल में आपकी कब्र बन जाए तुर्बत में. पॉसिबल है? नहीं है. यू नो व्हाट आई एम सेइंग, बोले ना. हाँ बोलना भी मुश्किल है. कम ऑन यार, इतनी कलेज तो होनी चाहिए. तो हो सकता है, हो सकता है, पॉसिबल है. हाँ अगर आपको नहीं करना है ऐसे काम तो आप इतने लॉफ्टी विजन मत बनाए, थोड़ा ऐसा विजन बनाएंगे जिसको आप कर सकते. तो विजन की लॉफ्टनेस लेवल क्या होती है, क्या कॉस्ट है, उसके अपोजिंग एक और कैरेक्टरिस्टिक है, विच इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्सन विच इज कॉल्ड ग्रेटनेस. ग्रेटनेस का मतलब ये होता है कि आप अपने विजन के लिए क्या कॉस्ट पे करने के लिए तैयार हैं. दैट्स कॉल्ड ग्रेटनेस. लॉफ्टीनेस इज एन एट्रीब्यूट ऑफ द विजन, ग्रेटनेस इज द एट्रीब्यूट ऑफ अ पर्सन. सिंपल एग्जाम्पल देता हूं. सपोज है कि आपका विजन ये है कि मैं सरीना में एक हफ्ते बाद लंच करो, तो हम कह लॉफ्टनेस लेवल क्या है विजन की, कितना लंच है भैया? 1950, बहुत समझदार हो. 2000, तो 2000 रुपये लगेंगे, एक घंटा निकालना पड़ेगा, ड्राइव करके जाना पड़ेगा, ये लॉफ्टनेस लेवल है एल. ठीक है, ये एल है. Can you all see this? एल है. ग्रेटनेस लेवल ये है कि आप कितना पे करना चाहते हैं. अगर एक शख्स कहे कि मेरा बजट तो सिर्फ 1000 रुपए है, तो क्या ये विजन अकम्प्लीश हो सकता है? नो, बिकॉज फॉर द विजन टू बिकम अ रियलिटी योर ग्रेटनेस लेवल शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन एल. कॉमन सेंस की बात है यार. गमे आरजू का हसरत, हसरत मोहानी, गमे आरजू का हसरत सबब और की और क्या बताऊं, गमे आरजू का हसरत सबब और क्या बताऊं, मेरे शौक की बुलंदी मेरी हिम्मतों की पस्ती. ये तो हमारे इंटेलेक्चुअल बहुत पहले से कह रहे हैं, मेरे शौक की बुलंदी, बड़ा लॉफ्टी विजन उठा लिया, मेरे हिम्मतों की पस्ती. कहीं अगर शहजादी शादी करनी है तो बादशाह सलामत तो ये कहते हैं कि पहले मेरे शेर से लड़ना पड़ेगा, ये कहते थे ना तारीख में, जो मेरे शेर से लड़ेगा वो भी बेटी से शादी करेगा. तो अगर शेर साहब लड़ेंगे तो हो सकता है कि आप बस लड़ेंगे और मरेंगे. तो अगर शहजादी शादी करनी है तो ज्यादा शेर से लड़ने की तैयारी तो करो ना, वरना जो है वो कदम से कर लिए.
constrain yourself because of resources. So yahan pe you are assuming that your resources are the only ones that can go into achieving this. अगर आप अगर ये कहते हैं कि नहीं जी मैं करना ही नहीं चाहता, मैं पापड़ बेलना ही नहीं चाहता, तो इसमें तो आपका ग्रेटनेस लेवल कम है। जब पापड़ नहीं बेलना तो मत करो। मुझे पता था कि कुर्सियों में काम होने वाला, मुझे आई नहीं हूँ कि उन्होंने कह दिया बंदा तो पंद्रह ही देंगे छः बच्चे। मैं ठीक है 45 मिनट पहले पहुँचते हैं और चाहे लेके आते हैं कुर्सी। मुझे पता था कि होल होना ही है, तो आगे में सर का कुर्सी मिल गई ना भाई। तो उसके लिए आपको अब पावर डेलने पड़े, पहले निकलना पड़ा, एक और पैर निकालना पड़ा है ना, और कुर्सियाँ उठा के भागना पड़ा। ये करेंगे तो हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये कहने का मतलब ये था कि ग्रेटनेस लेवल शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन एल। अगर ग्रेटनेस लेवल लेस देन एल है तो टेक्निकली तो विजन है, विजन द पिक्चर ऑफ फ्यूचर दैट यू वांट टू सी, बट इफेक्टिवली इट्स अ विश, इट्स अ चाहत, ये चाहत है, ये आरजू है, ये उमंग है, ये ख्वाहिश है, ये पाइप ड्रीम है, ये विजन नहीं है इफेक्टिवली। और पाइप ड्रीम्स और विशेष से और ख्वाहिशात से और उमंगों से दुनिया नहीं चलती है, दुनिया विजन से चलती है भाई। ये जो हमारे ड्राइंग रूम में डिस्कशन जो होती है ना, वो विशेष होती है। पाकिस्तान में ये हो रहा है, पाकिस्तान में भाई उतरो ना मैदान के अंदर, आओ ना मैदान के यार, आओ ना। ये क्या है पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान में भाई करो करो। बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है, बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है, धरती बंजर हो तो बरसात से क्या होता है। है अमल लाजमी तकमील तमन्ना के लिए, वरना रंगीन ख्याल से क्या होता है। रंगीन ख्याल कहे ना आए ना मैदान, किससे नेगोशिएट करें, कुछ करें, कुछ उगाड़ करें, उल्टे सीधे हो, ये बात क्या हुई। तो बहुत दफा हमारे विजन इसलिए नहीं चलते कि या तो लॉसेस इतनी बड़ी की है, ग्रेटनेस लेवल है नहीं, तैयारी नहीं। अगर बलूचिस्तान के विजन उठाएंगे तो हम टेलिंग यू तो इनको ज्यादा वेपन नहीं घूमना पड़ेगा, इसलिए पीछे पड़ जाएंगे सरदार। और जो पीछे पड़ते हैं तो सही पड़ते हैं। हमारा एक बच्चा इंजीनियरिंग थर्ड ईयर में था और नाम नहीं दे सकता, एक बड़े सरदार का वो काश्तकार था और ही वॉज सो आउट स्पोकन एट कॉलेज। और उसके बाद फिर जब यूनिवर्सिटी में भी गया तो जाहिर वो छुपता तो नहीं है, यानी मुख्तलिफ लोगों को मोबिलाइज करने के हवाले से थर्ड ईयर में वो शहीद हो गया। हमारी तीन बैच थी, चार बैच थी, कोई वो दुश्मन नहीं था, वो कोई सरदार की जो ऑपरेशन उसके और इसकी कोई बहुत ज़्यादा बात नहीं करता था, ऑप्शन से था, लेकिन ये कि शहीद हो गया। बहुत से किस्से लोगों के स्टेक्स हैं। तो कहने का मतलब ये था कि दुनिया में थोड़ा बहुत आपको कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, दैट्स पार्ट ऑफ लाइफ। नहीं ऐसे ऐसे पहले आप आत्मा कर फिर मैं आपको इजाजत दूंगा। हाँ अब Which comes first, loftiness or greatness? They go parallel. ये first और second की बात ही नहीं है। ये कोई पहले दूसरी बात ही नहीं थी। आप देखिए कौन सा विजन बना रहा है, अपने loftiness देखें, अपनी greatness देखें। हाँ अगर आप वाकई convinced है काम करने वाले हैं तो फिर अपनी greatness बढ़ाएं और greatness बढ़ाने के अलग कर देंगे। मैं लोगों से कहता हूँ कि हमारे लोग दुनिया में, हम लोग ने दुनिया में जनरली जो पॉपुलेशन है वो अपने पोटेंशियल के 3% पे ऑपरेट करिए। इमरान खान साहब ऐसे ही है ना, अब एचआर के आदमी 3% पे, और हम मुसलमान तो शायद 1% पे भी नहीं। हम अपना जो पोटेंशियल है, जो हमारी इस्तेदाद है, उसके 1% पे काम कर रहे हैं और खुश हो रहे हैं। कोई अंदाजा कर सकता है उसके जोरे बाजू का
कोई अंदाजा कर सकता है उसके जोरे बाजू का, निगाहें मरते मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। पहले सोचा था कि ना इलाज बात बहुत एग्जैजरेट करके, फिर मुझे अपनी लाइफ में अपने ट्रैवल्स में ऐसे लोग मिले कि वो वाकई आपको चेंज कर देंगे जज्बा रुकी बैठी ऐसे ओए अल्लाह बार एग्जैजरेट नहीं कर रहे थे यार। हदीस में आता है, अगर उसको अरबी याद हो तो मैं बताएगा कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लोग अपने दरवाजों से हटाते हैं, यानी उनका हुलिया ऐसा है कि लोग अपने दरवाजे पे खड़े ना होने दें। लेकिन वो ऐसे हैं कि वो अल्लाह पे कसम खाएं तो लोग कसम नहीं करते। इन मिन इबादिल्लाह लौ अबर लौ अक्सम अला अल्लाह अबर। ये अरबी पढ़े फिर तर्जुमा। إن من عباد إن من عباد الله إن من عباد الله لو أقسم على الله لأبر هو كما قال عليه الصلاة والسلام اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ جو اللہ پہ جب قسم اٹھا لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم پوری کرتے ہیں اور اس سے پیچھے الفاظ ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ وہ ایسے ہیں کہ اگر وہ کسی کی سفارش کرے تو وہ سفارش نہیں مانتا उसके यहाँ वो अगर किसी के यहाँ आपका रिश्ता लेने चला जाए तो उसको रिश्ता कोई नहीं देता, लेकिन अल्लाह के ऊपर कसम उठा लेता था उसको कोई कोई हदीस है हदीस हदीस बहुत मशहूर हदीस कि कोई उसकी सिफारिश नहीं सुनता, कोई उसके रिश्ता एक्सेप्ट नहीं करता है, अल्लाह सुब्हान तआला करे वो कसम उठा देना तो अल्लाह सुब्हान तआला जो है उसकी लाज। ऐसे तो लोग दुनिया में भाई आज भी हैं, आज भी हम अपने प्रोटेक्शन को पहचानते हैं, सिस्टम डी में ऐसे फंसे हैं कि बस मेरी गाड़ी आ जाए, मेरे बच्चों का एडमिशन कराची ग्रामर में हो जाए और मेरा खाना हो जाए, और उसी पे रो रहे हैं, डिप्रेशन में चले गए भाई, मेरे बच्चों का वो मैं समर हॉलीडेज के लिए इंग्लैंड नहीं लेके जा सकी, रो रहे मेरे बच्चों के पास नाइक के ब्रांडेड शूज नहीं है, इस पे गम है। अल्लाह ताला करे मेरी और हम सब की हिफाज़त फरमाए ऐसे पैथेटिक लाइफ से। आमीन बोले आमीन। हमारे पास अभी पिछले हफ्ते आए थे 40 बच्चे फ्रेंड्स तीन एज, पिछले साल भी हुआ था पूरे साल भी हुआ, तो मैं सोचा कि यहाँ सर दो से दो पढ़ा के देखता हूँ बच्चे कैसे रिस्पॉन्ड करते, तो मैंने एक हाई डोज की कहानी सुनी तो लिटरली इतनी मुझे खुशी हुई कि आंखों में आंसू आ गए भाई। अगर 13-14-15 साल के बच्चे के आंखों में आंसू आ गए तो मतलब कि लगी। वो स्टोरी ये थी, अब आप पूछेंगे कौन किसकी थी, एक हमारे डॉक्टर साहब हैं जानने वाले, इज वेरी इन्फ्लुएंशियल एंड वेरी वेल कनेक्टेड, उन्होंने कहानी ये सुनाई अपने अपने ससुर के भाई की। उनका नाम जो है ड्राइवर में याद नहीं है, मैं लेट्स कॉल हिम असलम। कहानी बहुत सच है, उन्होंने वो बहुत बीमार थे हैं, ओवर 70 बीमारियां हो चुकी हैं क्योंकि हेल्थ का पेशेंट तो होता नहीं है शुरू में, कितने हेल्थ कैसे भी पेशेंट रखते नहीं है तो ड्राइवर 60-70 के बाद ले जाते। तो ये उनसे मिलने गए तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब मेरी ये ख्वाहिश है, आखिरी ख्वाहिश है मेरी, आखिरी ख्वाहिश है तो आपको आपके इतने कनेक्शन हैं, आप इतने रिसोर्सफुल हैं तो आप मुझे हेल्प कर सकते हैं। डॉक्टर साहब ने कहा कि मैंने सोचा कि यार एक सही शख्स की आखिरी ख्वाहिश है, जितना कर सकते हैं करना चाहिए, तो कहा नहीं आप बताइए मैं क्या आपके लिए मदद कर सकता हूँ। तो उन्होंने ये कहा डॉक्टर साहब